हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो रैपिड रिवीजन हो, क्विक रिवीजन बोलते हैं कुछ, बोलते हैं कि 45 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करो, जो भी बोलना है बोल लो बच्चों। हाउ टू रिमेंबर ऑल चैप्टर इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में हम लोग किसी चैप्टर को पूरा रिमेंबर कर सकते, याद कर सकते बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आपको इसको दो बार सुनना पड़ेगा, एक बार सुन लो। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है तो वो बच्चे तो बोलेंगे 45 मिनट में, 40 मिनट में सर ने तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। तो बच्चों इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम बढ़ने वाले स्टेशनरी यूज का रिविजन कैसे करना चाहिए। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले, बच्चों एंड तक देखना। बहुत सारे बच्चों कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक देखते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, लेक्चर पूरा देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चों देखने वाले कि स्टेशनरी व्यूज क्या होती है। तो स्टेशनरी व्यूज के लिए कुछ कंडीशंस होगी, उसके ऊपर से डिफाइन बनाएंगे हम लोग। देखो बच्चों, पहले एक सबसे पहले जो कंडीशन होगी, हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, हैव इक्वल एम्पलीट्यूड। दूसरी बच्चे दूसरी बात है, यहां पे वेवलेंथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पीरियड इक्वल होना चाहिए, है ना, पीरियड होना चाहिए। तीसरी चौथी बात है बच्चों, यहाँ पे साइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी थी लेकिन हम लोग फ्रिक्वेंसी भी इक्वल ही मानते हैं उसकी, ठीक है। उसकी स्पीड भी इक्वल होना चाहिए, स्पीड भी इक्वल होना चाहिए। इसके लिए स्टेशनरी वेव्स के लिए कंडीशन है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे मीडियम सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। सातवीं जो बात है बच्चों, सेवंथ नंबर पे हम लोग एक बात कर सकते हैं, ट्रैवलिंग सेम मीडियम अलोंग सेम पाथ होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। ट्रैवल कैसे होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। चलो इससे हम लोग डिफाइन बनेंगे। देखो बच्चों, अगर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, इक्वल वेवलेंथ होना चाहिए, हैव इक्वल पीरियड, इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल स्पीड, मीडियम सेम, और पाथ भी सेम होना चाहिए बच्चों, पाथ भी सेम होना चाहिए एंड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका कहना यह है कि बच्चों जो दो वेव्स है, समझो एक वेव्स आ रही है इधर से, ये जूम जूम, देखो इसका एम्पलीट्यूड ये, और दूसरी एक वेव आ रही बच्चों, देखो ये, नहीं नीचे से लेना पड़ेगा क्या, ये ठीक है, मेरी इतनी अच्छी नहीं। देखो इसका एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड ये है ना, एम्पलीट्यूड इक्वल, वेवलेंथ भी इक्वल होना चाहिए, ये इतनी है तो ये भी इतनी ही वेवलेंथ होना चाहिए। इसका पीरियड एक वेव कंप्लीट करने के लिए जो पीरियड है और इसका भी पीरियड सेम होना चाहिए, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। इसकी पाथ, ये पाथ सेम है देखो, ठीक है, मीडियम भी सेम है, एयर है तो ए, वाटर है तो वाटर, आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट, देखो ये एसी तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे जूम, तब बच्चों ये स्टैंडिंग वेव बन सकती है, स्टेशनरी वेव्स बन सकती है। इसलिए इसकी डिफाइन बनाएंगे, टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पीरियड, सभी सेम होना चाहिए, एक बात ध्यान में रखना, ओके। ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम, सेम स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस होना, दो वेव का मिलना, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का मिलना होना चाहिए। तब बच्चों ना तो वो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तब बच्चों हम लोग इस वेव्स को स्टेशनरी वेव्स बोलेंगे। गॉट इट बच्चों, इसके दो टाइप से, एक ट्रांसवर है स्टेशनरी वेव्स, एक है ट्रांसवर्स, और दूसरा है बच्चों हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ऐसे दो टाइप्स है। तो ट्रांसवर वेव्स क्या है, स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन, नाउ देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर वेव्स। इसी वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल, तो यहां पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल के टाइम पे बताएंगे, अ स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, जैसे कि इसमें ट्रांसवर वर्ड आएगा इसमें लॉन्गिट्यूडनल, बस दोनों सेम डिफाइन है बच्चों, और फिर एक के साथ एक फ्री। चलो तो हम लोग बच्चों जो एनालिटिकली मेथड से स्टेशनरी वेव को फॉर्म करेंगे,
नोड एंटीनोड की बात करेंगे, नोड एंटीनोड कैसे फॉर्म होते, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग आज बात करने वाले कि ये इक्वेशन कैसे तैयार होती है। सबसे पहले बच्चों जो वेव है ये जूम जूम, इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए y1 y2 नाम कुछ भी दे सकते हो, देना है तो y1। आप लोगों को इसके पहले वेव मोशन का जो मॉर्निंग का लेक्चर है वो देखना बहुत जरूरी है। इस इक्वेशन में मैंने ये निकाला था a sin है ना स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल t माइनस x बाय लैम्ब्डा। कम बच्चों ये इक्वेशन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। अगर यही वेव देखो ये इधर लिया तो ये जूम जूम जूम, तो ये निगेटिव डायरेक्शन होगा कि नहीं उसका, ये इधर वाला निगेटिव डायरेक्शन। देखो एक वेव इधर से जा रही है, एक इधर से ट्रैवल हो रही है ना, सेम पाथ सेम मीडियम होना चाहिए, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको मैं रेड पेन से निकाल के दूंगा, समझ में आएगा बच्चों। ये देखो ये ही इसके अपोजिट में ये वेव, और ये जो ब्लैक पेन से दिख रही है ये वेव ऐसी आ रही है ऐसे, और ये ऐसे आ रही है, टक्कर मार रही है ना, तो ना फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ये माइनस इक्वेशन होता है, और निगेटिव डायरेक्शन के लिए ए साइन स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी प्लस एक्स बाय लैम्ब्डा। बच्चों ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए वेव्स और ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए दो वेव्स है, दो आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव्स इक्वेशन है मेरे पास, लेकिन बच्चों ये पॉजिटिव की तरफ अपोजिट डायरेक्शन होना बोल, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव जूम, समझ में आ रहा ना, इसलिए ये वेव्स लिखी। चलो बच्चों हम लोग एक काम करने वाले है, जो रिजल्टेंट इसकी फिर ये बोलेंगे यार इसकी सुनू या इसके, रेड वाले की सुन के ले ब्लैक वाले की, मैंने बोला कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, हम लोग रिजल्टेंट दोनों का मिला के सुनेंगे। चलो y1 प्लस y2, चलो y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बच्चों a साइन है ना और 2π बाकी बच्चों 2π बाकी है ना 2π स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल t माइनस x बाय लैम्ब्डा प्लस a साइन 2π स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल t x बाय लैम्ब्डा, लेकिन प्लस बच्चों। अच्छा तो बच्चों यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, इस a को कॉमन लिखेंगे, इस a को कॉमन बचाना चाहते हैं ना हम लोग। तो चलो तो बच्चों आपको पता है एक फार्मूला मॉर्निंग सेक्शन में मैंने यूज किया था, साइन c प्लस साइन d रहा, तो उसको लिखते बच्चों 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाय 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन लिख सकते हो। ओ ऐसी बात है, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो तो हम बात कर रहे हैं बच्चों आगे 1 2 3 4, ओके। चलो बच्चों तो y ये 2, ओके सर एक कॉमन है, हाँ सर साइन लिखो, हाँ सर साइन के पहले 2π इसलिए 2π लिखा। आपने c किसको बोला, मैं रेड पेन से लिखूंगा बच्चों, c इस कहानी को c बोला है और इस कहानी को d, मतलब इस कहानी को उन्होंने c बोला और इस कहानी को उन्होंने d बोला है। ओ तो चलो बच्चों यहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रैकेट c को ने स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल t माइनस x बाय लैम्ब्डा, और d ये है तो प्लस प्लस करना है t बाय t प्लस x बाय लैम्ब्डा है ना, और इसको छोटा ब्रैकेट करते हुए डिवाइड बाय 2 बड़ा ब्रैकेट, इसको डिवाइडेड बाय 2 ये है बच्चों ये, ठीक है। cos cos 2π क्यों बच्चों, 2π यहां पे कॉमन है। चलो स्मॉल t कैपिटल t माइनस x बाय लैम्ब्डा, इसको माइनस करना है तो जो उल्टे साइन देने माइनस t कैपिटल t, ये प्लस है तो माइनस, क्यों बच्चों क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, तो डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे बच्चों, अभी आगे बढ़ना है, चलो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको कट कर रहा हूं, ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाली। स्टेशनरी वेव्स में 4 क्वेश्चन मैं अच्छे पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग का, ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन का, और 2 एक क्लोज एक ओपन ऑर्गन टाइप का, ये 4 क्वेश्चन करो बच्चों, ये क्वेश्चन श्योर आने वाला है, गारंटी है मेरी गारंटी बच्चों आपके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं, वाई इज इक्वल टू 2a साइन 2π, ध्यान देना है बच्चों यहां पे ये प्लस माइनस दोनों मर गए, यहां पे ये मर गया, बचा क्या है बच्चों मेरे पास, देख लेना यहां पे, ठीक है 2t डिवाइड बाय 2, बात समझ में आ रही है, देखो t प्लस t 2t हो रहा है ना, अरे दोबारा है ना, ये डिवाइड बाय 2 cos cos 2π, देखो यहां पे ट्वाइस x बाय लैम्ब्डा
डिवाइड बाय 2, एक बात ध्यान में रखना बच्चों, माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन इस्तेमाल करते हैं हम, ये आ रहा है। तो 2 से 2 को मार दो, ये 2 से 2 मार दो, लेकिन बच्चों पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा होता है, पता है आप लोगों को ये कहानी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, 2a साइन 2 पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, बच्चों ये टी मर, ये 2 मर गया ना, तो बचा क्या 2 पाई टी बाय टी है ना, कॉस टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा, माइनस का आ गया बच्चों कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू इसको 2a cos टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये साइन को इधर लिख रहा हूं साइन टॉइस पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, बच्चों ध्यान देना है a इज इक्वल टू साइन टॉइस पाई टी डिवाइड बाय कैपिटल टी। सर क्यों a इसके जगह पे क्यों लिखा है, तो ये होता है बच्चों एम्पलीट्यूड, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आई बटन में आपको स्टेशनरी वेव्स का ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन देखना बहुत जरूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरा समय बहुत जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू ये बच्चों हमारे पास 2a cos टॉइस पाई एक्स लैम्बडा, बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, या कुछ लोग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बोलेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है। इस बात से समझ में आ रहा है इसमें x नहीं है बच्चों, x रहा तो ट्रैवल कर रहा है, x नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है, ये है बच्चों स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन इसको याद करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होने के चांस होते हैं। उसके बाद में देखना है बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैं समझा दूंगा आपको, एम्पलीट्यूड मतलब जैसे कि कोई ट्रांसफर वेव रही तो इस चीज को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, देखो ये वाई एक्सिस पे जो भी जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये प्लस है एम्पलीट्यूड, ये माइनस है, ये एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, देखो मार्कर फेंक रहा हूं कहां तक गया, सर यहां तक गया, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, बात समझ में आ रही है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बच्चों, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं इसलिए बाजू हट जाता हूं हमेशा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलो आप देखेंगे केस इसकी नोड सॉरी एंटी नोड और नोड, चलो एंटी नोड क्या होता है मैं स्टैंडिंग इक्वेशन के बाद आप लोगों को समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो ए ये है आपका एंटी नोड, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, क्यों ये a और a 2a हो गया प्लस माइनस, चलो a की वैल्यू पता है, हाँ सर 2a cos टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस माइनस 2a, 2a से 2a मर गया 1 हो गया बच्चों, इसका मतलब cos टॉइस पाई एक्स लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 cos की वैल्यू किसकी होती है पता है आप लोगों को, पता है क्या, हाँ सर किसकी होती है, ये बात इसकी है बच्चों, यहां पे मेरे ख्याल से cos 0 की वैल्यू पाई 2 पाई 3 पाई डैश डैश, x की वैल्यू पहली 0 मिल रही है, दूसरी वैल्यू बच्चों देखो टॉइस पाई एक्स लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, तो लैम्बडा x इज इक्वल टू पाई, ये इधर गया तो बच्चों लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई, समझ में आ रहा है ना, उसको उल्टा बनाना पड़ेगा ना, पाई से पाई मर गया तो बच्चों दूसरी लैम्बडा बाय 2, समझ में आ रहा है। तीसरी वैल्यू बच्चों देखो x इज इक्वल टू 2 पाई, इधर गए तो उल्टा लैम्बडा बाय 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई मर गया लैम्बडा, इसका मतलब 3 लैम्बडा बाय 2 2 लैम्बडा, बात समझ में आया, आधे आधे डिफरेंस से आगे आगे बढ़ना है, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है ना। ओके, मतलब बच्चों हम लोग ने क्या दो एंटी नोड के बीच में का दूरी, और ये होता कैसे है मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ये स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग को मैंने ऐसे 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 यहां पे खींचा, ठीक है, पल किया, तो इसका ऐसे लूप दिखते हैं हम लोगों को इमेजिनरी, बच्चों इसको नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं, नोड मतलब मिनिमम डिस्टेंस, और एंटी नोड मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है उसको एंटी नोड कहा जाता है। तो बच्चों दो एंटी नोड के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्बडा बाय 2, देखो नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 2 होता है। अब सोचो बच्चों एक वेव रही तो उसको लैम्बडा बोलते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को, तो आधे वेव्स को हम लैम्बडा बाय 2 बोलेंगे कि नहीं, अगर इसका लूप बना दिया जाए तो एक लूप की लेंथ हो रही है लैम्बडा बाय 2, बात समझ में आ रही है बच्चों, एक लूप की लेंथ हो रही है लैम्बडा बाय 2 और आधे लूप की लैम्बडा बाय 4 होगी, चार टुकड़े हो रहे हैं ना, देखो एक लूप लैम्बडा बाय 2 उसके आर दो टुकड़े तो लैम्बडा बाय 4 होगा, तो दो एंटी नोड के बीच में की जो दूरी होती है लैम्बडा बाय 2 होती है, निकालेंगे
तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड। चलो इसके बीच में का कोई भी डिस्टेंस लो, ये और ये, जैसे कि 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ये डेढ़ है, ये और एक है, डेढ़ और एक, डेढ़ में से एक गया तो आधा। तो बच्चों दो नोड के बीच में की दूरी लैम्डा बाय 2 होती है, ये है एंटी नोड बच्चों। ये क्या है, एंटी नोड। उसके बाद में बच्चों, इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि नोड के बारे में, किसके बारे में, नोड। नोड होता है बच्चों जीरो, अभी मैंने बोला है ना, नोड होता है जीरो। तो ए की वैल्यू 2a cos 2x / x / लैम्डा इज इक्वल टू 0। अरे ए की वैल्यू डाली ना, तो ये 2a गए तो भी 0, तो cos 2x / x / लैम्डा इज इक्वल टू 0। बच्चों cos 0 वैल्यू किसकी होती है पता है आपको, cos 0 वैल्यू होती है पाई बाय 2, 3 बाय 2, 5 बाय 2। ऐसा लग रहा है सर पाई बाय 2 को ऑड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 3 5 7 पाई बाय 2 है ना। चलो तो x की वैल्यू निकालना है बच्चों, देखो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाई बाय 2 ये इधर गए तो मल्टीप्लाई उल्टा होंगे, देखो लैम्डा 2 पाई, तो पाई से पाई मर गया, तो बच्चों लैम्डा 2 2 जा 4, तो पहली वैल्यू मिली है लैम्डा बाय 4। दूसरी चलो क्या है बच्चों, 3 पाई बाय 2 ये इधर गए तो उल्टा, तो लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई मर गया बच्चों, 3 लैम्डा बाय 4 मतलब 3 लैम्डा बाय 4, बाद में 5 लैम्डा बाय 4, बाद में 7 लैम्डा बाय 4। समझ में आ रहा है कहीं, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। किसी को और भी आइडिया बताऊंगा बच्चों मैं, देखो एक लूप के लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे, एक वेवलेंथ के लिए लैम्डा, तो आधे के लिए लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 लिखते कि नहीं, और भी आधा तो लैम्डा बाय 4। और आपको पता है बच्चों पाई बाय 2 मतलब 90, और ये 90 है कि नहीं, देखो ये यहां से यहां 90, ये 90 180 270 और 2, तो 180 के लिए लैम्डा बाय 4, 180 के लिए लैम्डा बाय 4, तो 90 के लिए लैम्डा बाय 4। देखो सिंपल, इसको लिखना है लैम्डा बाय 4, ठीक है, इसका लैम्डा बाय 4 3 टाइम्स है, ये पाई बाय 2 मतलब लैम्डा बाय 4, पाई बाय 2 लैम्डा बाय 4, पाई बाय 2 लैम्डा, तो 7 आएंगे 5 आएंगे, ये समझ लेना अच्छे तरह से, ठीक है। ये आइडिया होती है, अपने अपने दिमाग से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। चलो 7 लैम्डा बाय 4, इसमें से ये करो, कोई भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से ये करो, इसमें से ये, लेकिन लगातार होना चाहिए। तो 7 में से 5 गए 2 लैम्डा बाय 4, तो बच्चों 2 2 जा तो लैम्डा बाय 2 ही मिल रहा है, मतलब बच्चों दो नोड के बीच में, दो नोड के, देखो ये नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। बच्चों आपको पता है कि एक पूरे वेव को बोलते हैं लैम्डा, तो ये होगा एक वेव होगी इसके लिए, लेकिन इसके लिए बोलते हैं लैम्डा बाय 2। देखो ये नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 मिल रहा है, ये भी नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 ही मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। मतलब दो नोड के बीच में की जो दूरी होती है उसको लैम्डा बाय 2 बोलते हैं। समझ में आ रहा बच्चों, कहीं समझो कहीं रे बाबा, बढ़ना आगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे बच्चों स्टेशनरी वेव्स के, आपको नोट डाउन करना बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी सवाल आते रहता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी है, जिन लोगों को स्टेशनरी वेव समझ में आ रही है उनके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। मैं स्टेशनरी वेव्स निकाल रहा हूं बच्चों, देखो ये और ये देखो ये स्ट्रिंग है, जूम इसको पल किया तो ऐसी बनेगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी ऐसी हवा में दिखाई देगी, इसको बोलते हैं बच्चों नोड, इसको बोलते हैं नोड, इसको भी बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं बच्चों एंटी नोड, और इसको भी बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, पहले सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखना बच्चों। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ये इसकी होती है डिफाइन, क्या होती है शॉर्टकट डिफाइन। तो शॉर्टकट डिफाइन कैसे बोलेंगे, स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, नंबर वन। नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों आपके लिए, स्टेशनरी वेव कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम, और वो एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, स्टैंडिंग है तो ट्रांसफर क्या एनर्जी करेगा, एक ही जगह पे खड़ी है तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी, इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर।
ऑल द पार्टिकल जो है बच्चों वो एसएचएम कर रहे खाली नोट छोड़ के, देखो ये एसएचएम ये जूम 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 नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन यहां पार्टिकल जो है वो वही जगह पे खड़ा है। देखो इसका ये एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बाद में ये नीचे ऊपर ही हो रहा है, लेकिन यहां पे कोई एसएचएम नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम नॉट सेम, और देखो इसका एम्पलीट्यूड भी कॉन्स्टेंट नहीं है, नोट छोड़ के देखो इसका एम्पलीट्यूड यहां कम है, यहां और ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा होगा, समझो यहां कम यहां कम, समझ में आ रहा है? देखो यहां बहुत कम है, यहां बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है सबसे ज्यादा सर, कम हो रहा है। तो यहां पे एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, इसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? द पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है उसका नाम रखा गया है नोड, जहां जिस एम्पलीट्यूड जिसका जीरो है उसको नाम दिया गया नोड, द एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज कॉल्ड एज द नोड। और नोड टू नोड डिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है लैम्डा बाय टू, अभी हमने देखा था, अभी देखा है, नंबर वन। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बच्चों, एम्पलीट्यूड एंटी नोड किसको बोले, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जहां हो, एम्पलीट्यूड जहां मैक्स हो उस चीज को बच्चों हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी नोड। ओ मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उसको एंटी नोड बोलना, और एंटी नोड टू एंटी नोड का भी डिस्टेंस लैम्डा बाय टू ही होता है, कितना होता है, लैम्डा बाय टू ही होता है। नोड एंड अल्टरनेट प्रोड्यूसर बच्चों, देखो नोड या एंटी नोड, नोड या एंटी नोड, नोड है ना ऐसे तैयार होते हैं, और नोड एंड एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है लैम्डा बाय फोर, यहां से यहां, यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय फोर, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख सकते हैं। इस लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू, मतलब नोड टू नोड का डिस्टेंस पकड़ लो, एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू होती है। ऑल द पार्टिकल वन लूप इज सेम फेस है, सबका फेस सेम होगा। ठीक है, प्रेशर एंटी नोड को नोड बोलते हैं, नोड प्रेशर एंटी नोड को नोड, और नोड को एंटी नोड बोलते हैं प्रेशर के लिए। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते बच्चों, खत्म। हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग का है, किसका है बच्चों, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का पहले ऑल हार्मोनिक बोलते हैं एक्चुअली, है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन भी पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी कहानी है, और इसके लिए हम लोग फार्मूला बना के उसको खत्म। मोड ऑफ वाइब्रेशन, देखो द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट द नंबर्स ऑफ विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ मोड ऑफ वाइब्रेशन। द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, लिख सकते द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, है ना, द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से होती है, द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट नंबर्स ऑफ वेव विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज मोड ऑफ वाइब्रेशन। बच्चों हम इसके लिए फार्मूला बना रहे हैं, देखो कैसे कि एक लूप बन गया, समझो एक लूप बन गया है, समझो इसको पल कर गया, पल करने से ऐसे एक लूप बनेगा बच्चों, इसको नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं, और इस चीज को एंटी नोड बोलते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों वो है लैम्डा बाय टू, ध्यान में रखना। इसके बाद में एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू, एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू, एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू। चलो इसकी लेंथ है बच्चों हमारे पास, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू। ओ सर किस लिए दे रहे, बताऊंगा बच्चों टेंशन मत लेना। लेंथ ऑफ लूप, देखो ध्यान में रखना बच्चों, लेंथ ऑफ लूप होती है ये एल बाय पी। अरे मुझे बताओ इसमें कितने लूप्स तैयार हो रहे, जैसे कि इसमें एक ही लूप हो रही तो इसकी एक लूप की लेंथ उतनी होगी। अगर कोई लेंथ है इसमें हो रहे सर, ये एक दो तीन चार पाँच, ये देख एन टू थ्री फोर फाइव, तो आपकी ये लेंथ थी बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे 10/5, तो एक लूप की लेंथ मिल रही कि नहीं, मतलब लेंथ ऑफ वन लूप बोलो, लेंथ ऑफ वन लूप निकलने का फार्मूला है, तरीका ये, बात समझ में आ रही है ना। आपको पूछा एक लूप की लेंथ कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ लूप निकाला आपने, तो ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। उसके बाद में बच्चों लेंथ ऑफ वन लूप, एक लूप की लेंथ, लेंथ ऑफ वन लूप की कितनी है, तो आप बोलेंगे ये है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हो गया सबका बच्चों। तो ये दोनों इक्वल है, तो एल बाय पी और ये लैम्डा बाय टू,
है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। चलो तो बढ़ना आगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों देखो टॉइस एल बाई पी है ना, तो ये लैम्डा मिला है। क्या फॉर्मूला बच्चों हमारे पास, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो बच्चों एक v जो होती है वेलोसिटी, ये रूट ऑफ टी बाई एम। साउंड नाम का चैप्टर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे पता नहीं 11 का, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट मास, पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एम है, मास पर यूनिट लेंथ, टी इज द टेंशन, हम लोग ऐसे पल कर रहे हैं ना उसको, उस चीज को। चलो तो आगे बढ़ना है, तो हमारे पास जो फार्मूला है एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो एन इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा इंटू वी लिख सको, तो वन बाय लैम्डा की वैल्यू बच्चों हमारे पास टॉइस एल बाय पी, और इसकी वैल्यू है रूट ऑफ टी बाई एम, तो एन इज इक्वल टू पी बाय टॉइस एल रूट ऑफ टी बाय एम, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये, या फ्रीक्वेंसी है सीधा सीधा इसको बोलो, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रेस स्ट्रिंग का इक्वेशन है। चलो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, अब मोड ऑफ वाइब्रेशन देखना है, और यहां पे सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक बोलो फंडामेंटल मोड, या फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल, या फर्स्ट हार्मोनिक्स बोलना है। चलो तो यहां पे बच्चों देखो एक स्ट्रिंग ले लिए, दिखाई दे रही सबको, इसने एक लूप बना दिया, कंसिडर कर रही ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, इसकी लैम्डा बाई टू लेंथ है पता है हम लोगों को, और ये पूरी लेंथ है बच्चों, ये लेंथ है, लेकिन P इज इक्वल टू वन हो रहा है। यहां पे डिफाइन लिखना है इसे, द स्ट्रेस स्ट्रिंग वाइब्रेट विद द वन लूप, दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल मोड, या फर्स्ट हार्मोनिक बोलना है, मतलब बच्चों एन इज इक्वल टू पी के जगह पे वन रखना है, मतलब ये जनरल वन बाय टॉइस एल रूट ऑफ टी बाय एम, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छी तरह से करना, ये एग्जाम में आता ही रहता है, बहुत बार आ चुका है, आने के चांसेस है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको सेकंड हार्मोनिक बोलो, या उसको फर्स्ट ओवरटोन, बात समझा दूंगा, फर्स्ट ओवरटोन क्या होते बच्चों, ओवरटोन मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होना, उसको ओवरटोन्स बोलते, मतलब यन को बोलेंगे नहीं, लेकिन ट्वाइस एन ये ओवरटोन है बच्चों, या थ्राइस एन ये भी ओवरटोन है, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है ना, फिफ्थ एन ये भी है, कुछ ना कुछ तो ये ओवरटोन्स है, लेकिन ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना है। चलो तो हम लोग बना रहे हैं दो लूप्स, ये जूम 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 जूम, ये तो ये नोड, ये नोड, ये भी नोड, और ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, कितने लूप्स तैयार हो रहे बच्चों, टू। तो बोल सकते हैं द स्ट्रेच स्ट्रिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टू लूप्स एंड दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज द सेकंड हार्मोनिक, या फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं, द स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट द टू लूप्स, कितने फॉर्म हो रहे, दो लूप्स। चलो बच्चों हमारे फार्मूला है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, इसके लिए लैम्डा हो रहा है, देखो यहाँ पे लैम्डा बाई टू, या लैम्डा ये इसकी लेंथ है, तो इसकी जो बच्चों हम लोग इसको एन वन बोलेंगे, ठीक है, इसको एन बोला, इसको एन वन, पहचान में आना चाहिए। चलो तो हमारे पास टू डिवाइड बाई ट्वाइस एल रूट ऑफ टी बाई एम, तो एन वन हमको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो टू इधर रखते हैं, तो वन बाय ट्वाइस एल, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसको मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, इसको ओवरटोन बोलना है हमको, तो एन वन इज इक्वल टू ट्वाइस एन, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन, या सेकंड, सेकंड क्यों, टू मल्टीप्लाई, इसलिए सेकंड हार्मोनिक, थ्री रहा तो थर्ड हार्मोनिक बोलना है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमारे पास थर्ड हार्मोनिक, या सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, चलो ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के तीन लूप, एक दो तीन, ये एक दो तीन, तो ये हो रहा है बच्चों थ्री लैम्डा बाय टू, तो लैम्डा ये है लाइन बच्चों, तो P इज इक्वल टू कितने, ये थ्री लूप्स तैयार हो रहे, तो हम लोग रख रहे हैं बच्चों N इज इक्वल टू, इसको N2 बोलेंगे, P की वैल्यू थ्री है, और ये रखेंगे वन बाय ट्वाइस एल रूट ऑफ टी बाई एम, समझ में आ रहा है बच्चों, अरे P की वैल्यू थ्री है ना, तो बाहर रखी मैंने, तो N2 इज इक्वल टू थ्राइस एन, मतलब थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, ये
बात समझ में आ रही है बच्चों? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखना है, ये समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन है, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को। बहुत बार कैमरा बंद होता है इसलिए बीच बीच में देखना पड़ता है भैया है कि नहीं कैमरा, कैमरा जगह पर रहता है, फोन का कैमरा है ना, भरोसा नहीं होता है। चलो तो इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अगर पिप्त ओवरटोन पहचानना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी अगर पिप्त ओवरटोन की निकालना है तो हमारे पास फार्मूला बच्चों पी प्लस वन इंटू एन। देखो फर्स्ट ओवरटोन जानना है, हाँ सर, फर्स्ट ओवरटोन मतलब यहां पे पी की वैल्यू वन डालो। देखो एन वन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, ट्वाइस एन। देखो फर्स्ट ओवरटोन मिला है कि नहीं सर, टू डालो तो टू प्लस वन थ्री, थ्राइस एन। देखो थ्राइस एन मिला है समझ में आ रहा है? और पिप्त ओवरटोन डालना है ओनली, ये ओवरटोन है, ये पिप्त हार्मोनिक, पिप्त हार्मोनिक्स करना है तो एन पी इज इक्वल टू पी एन ओनली। देखो वन है तो वन, टू है तो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड है तो थर्ड हार्मोनिक, तो डायरेक्ट हार्मोनिक्स के लिए पी इंटू एन फार्मूला। तो इसके ऊपर आते हैं बच्चों आपको लिए न्यूमेरिकल्स, ये आपको फार्मूले याद होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे सर न्यूमेरिकल कैसे आते क्या आते बच्चों, ये ओवरटोन्स के लिए भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। फर्स्ट ऑल हार्मोनिक है या ऑड है स्ट्रिंग का, तो ये ऑल हार्मोनिक है, कौन सा ऑल हार्मोनिक। उसके लिए कुछ डिफाइन है बच्चों, फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन बच्चों, फ्री वाइब्रेशन कुछ नहीं है, इसके व्हेन द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब करोगे आप एंड रिलीज देन मेक द ऑक्सीलेशन। कोई बॉडी ऐसे छोड़ दो तो ये ऑक्सीलेट करेगी, जुम 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 जुम, छोड़ दो रिलीज होगी, धीमे धीमे उसका एम्पलीट्यूड डिग्रीज होगा और एम्पलीट्यूड जीरो होगा। अरे कोई रस्सी बांध ली मैंने ऐसे, उसको पकड़ा के छोड़ दिया पेंडुलम ऐसे छोड़ दिया, तो कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड डिग्री डिग्रीज हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, बाद में रिलीज होते होते उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा, उस चीज को हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। और फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है बच्चों, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन समझ में आ गया, कोई चीज को रिलीज करना है, उसके एग्जांपल भी दे सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रिंग को पल करो छोड़ दो उसका एम्पलीट्यूड बाद में धीमे धीमे डिग्रीज होते जीरो होता है। फोर्स वाइब्रेशन बच्चों क्लॉक पेंडुलम होता है, उसका सेल होता है, जब तक सेल जिंदा है तब तक उसका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है, जुम 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 जुम, मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसको दिया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है उसको फोर्स वाइब्रेशन। और रेजोनेंस किसको बोलते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड जो है बच्चों है ना, मतलब व्हेन द बॉडी इज वाइब्रेट बाय द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स द फ्रीक्वेंसी विच सेम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी जैसी होती है, और इसका रेजोनेंस बोलते हैं बच्चों। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे अभी एंड करेक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखना है, ये हमारे पास कोई ऑर्गन पाइप है, यहां पे हमने ऐसे पेंडुलम रखा है ना, पेंडुलम नहीं उसको ट्यूनिंग फोर्क बोलते, ट्यूनिंग सॉरी, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी ऐसी चली जाएगी, ठीक है बच्चों। इसकी लेंथ ओरिजिनल एल है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अंदर तो नहीं रख सकते, या उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बाहर आएगी ये यूएस, तो बच्चों यहां पर एल प्लस ई टोटल लेंथ हो गई, और ई को बच्चे बोलते हैं एंड करेक्शन, मतलब ओपन एंड से लिटिल अबाउट द, जस्ट लिटिल अबाउट द ओपन एंड, थोड़ी सी लेंथ होती है इसको एंड करेक्शन, और एंड करेक्शन होता है 0.3 डी, मतलब जो डायमीटर होगी बच्चों इसकी, ये डायमीटर से 0.3 से मल्टीप्लाई उसका एंड करेक्शन ऊपर आता है, उसको एंड करेक्शन बोलते हैं। और एंड करेक्शन हम लोग ओपन और ऑर्गन पाइप का निकालेंगे, हम लोग अब काम करेंगे ऑड हार्मोनिक की बात करेंगे, मतलब एक क्लोज एंड है तब ऑड हार्मोनिक, दोनों ओपन रही तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अभी आगे बढ़ना है, चलो तो सबसे पहले हम लोग ऑड हार्मोनिक्स बोलेंगे। चलो ऑड हार्मोनिक्स क्या होता है, देखो एक क्लोज एंड, ये क्लोज एंड है ठीक है, और यहां पे मैंने ट्यूनिंग फोर रखा है, तो एक ऐसी लूप आके ये बन रहा है, इसको बोलते हैं नोड इस चीज को, और इसको एंटी नोड। और आपको पता है बच्चों मैंने बोला था एक लूप रहा, याद है तो लैम्डा बाय टू, अब ये आधा है बच्चों तो लैम्डा बाय फोर बोलेंगे, तो इसलिए बच्चों इसकी लेंथ हम लैम्डा बाय फोर। और बच्चों इसमें एंड करेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, विदाउट एंड करेक्शन है, नहीं तो बोलेंगे सर एंड करेक्शन कहा गया। लोगों को पता होना चाहिए कि वी इज इक्वल टू एन लैम्डा फार्मूला, तो एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा,
बच्चों क्या पता है कि इसकी जो लेंथ है, वो लैमड़ा बाय फोर है, तो लैमड़ा इज इक्वल टू फोर एल बनेगा कि नहीं? इसीलिए बच्चों यंग इज इक्वल टू वी बाय फोर एल, बनेगा। ओ सर वी की वैल्यू, अरे वहां पे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में हमको टेंशन दिया था, इसलिए ये तो वेलोसिटी साउंड की फिक्स होती है। एयर में जो वेलोसिटी साउंड की वो 340 मीटर पर सेकंड है, इसलिए इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे रखेंगे। ओके तो ये हो गया फंडामेंटल, कौन से बच्चों, फंडामेंटल मोड ऑफ या फर्स्ट हार्मोनिक बोल देंगे। व्हेन द एयर कॉलम वाइब्रेटिंग विद फॉर्मेशन ऑफ क्लोज क्लोज पे नोड एंड वन एंटीनोड फॉर्मेशन हुआ तो ये फंडामेंटल हो गया। चलो उसके बाद में बच्चों हम लोग फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। चलो फर्स्ट ओवरटोन में हम एक काम करेंगे, वही ऑर्गन पाइप, वही चीजें हमारे पास, ये हो रहा, ये यहाँ पे नोड, ये एंटीनोड, यहाँ नोड, यहाँ एंटीनोड। आपको पता है बच्चों इस आधे को लैम्डा बाय फोर, आधे ऐसे कितनी चीज, देखो ये आधा दो तीन, बात समझ में आ रही? अरे आधे लूप को लैम्डा बाय फोर, ऐसे आधे लूप कितने है? सर देखो ये एक दो तीन, तो थ्री, और आधे लूप के लिए लैम्डा बाय फोर, बात समझ में आ रही बच्चों? इसको लैम्डा वन बोलेंगे, इसकी लेंथ है ये, समझ में आ रहा है ना आपको? तो एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा वन बाय फोर, तो लैम्डा वन इज इक्वल टू फोर एल बाय थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास फार्मूला एन बाय वी बाय लैम्डा, लेकिन इसको एन वन लैम्डा वन बोलेंगे क्योंकि नाम देना पड़ेगा ना, एक ही फ्रीक्वेंसी लगेगी हम लोगों को। एन वन वी, इसकी वैल्यू बच्चों फोर एल, ये डिवाइड का डिवाइड इसलिए ऊपर। बच्चों ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू बच्चों हमारे पास एन की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओ सर मतलब फर्स्ट ओवरटोन है लेकिन थर्ड हार्मोनिक है, कौन है ये? थर्ड है ना, हार्मोनिक है, ठीक है, शॉर्टकट में निकाल रहा हूं बच्चों, आपको पता है टाइम बहुत कम है। उसके बाद में सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ठीक है, इसके लिए भी वही पाइप। ओ देखो एक एक गोला बढ़ाना, देखो इसमें हमने एक गोला बढ़ाया, देखो एक गोला बढ़ाया कि नहीं, अब और एक गोला बढ़ाना पड़ेगा, पहला ऑलरेडी एक गोला, गोला समझते हो ना, गोला, हाँ सर आइस गोला समझता है। ये नोड या एंटीनोड, ये नोड या एंटीनोड, ये नोड ये एंटीनोड, और बच्चों आधे आधे लूप कितने हैं? एक लूप में दो आधे लूप्स होते, तो ये दो तीन चार पांच, अच्छा फाइव लैम्डा बाय फोर है, लैम्डा बाय फोर क्योंकि आधे लूप के लिए लैम्डा बाय फोर, तो ऐसे आधा 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 है ना, ये लैम्डा टू ये होगा। तो ये है बच्चों हमारे पास लेन, तो एल इज इक्वल टू फाइव लैम्डा टू बाय फोर, तो लैम्डा टू है फोर एल बाय फाइव। सर इसको एन टू बोलो, वी बाय लैम्डा, ये आपके पास फार्मूला है ना, वी बाय लैम्डा याद रखना, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है तो निकालना पड़ेगी, तो एन टू वी, लैम्डा टू की वैल्यू मेरे पास फोर एल बाय फाइव, तो एन टू इज इक्वल टू फाइव इधर वी बाय फोर एल। ये वी बाय फोर एल कौन है बच्चों? वाह 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 वाह, ये है हमारे पास, तो एन मतलब बच्चों इसको फिफ्थ है ना हार्मोनिक, क्योंकि है ना हार्मोनिक से, क्यों फाइव से मल्टीप्लाई। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? मैं रेड पेन इस्तेमाल करूं अभी? कर लो सर। देखो बच्चों ये कहानी, ये और ये दिखाई दे रहा आपको, क्या दिखाई दे रहा बच्चों? ये वन थ्री फाइव, ये ऑड हार्मोनिक, सभी नंबर से कौन है? ऑड हार्मोनिक्स है, समझ में आ रहा है ना? मतलब बच्चों एक क्लोज एंड रहा तो ऑड हार्मोनिक आता है, कौन सा आता है? ऑड हार्मोनिक। अगर फिफ्थ ओवरटोन निकालना है तो एन पी इज इक्वल टू ट्वाइस पी प्लस वन इंटू एन, या और मैं कुछ एन की वैल्यू पुटअप करते हैं, ट्वाइस पी प्लस वन, एन की वैल्यू है वी बाय फोर एल, दोनों का मतलब एक ही बच्चों। चलो देखेंगे, मुझे फर्स्ट ओवरटोन निकालना है तो वन मल्टीप्लाई टू टू, टू प्लस वन थ्री, थ्राइस एन, फर्स्ट ओवरटोन करेक्ट है। चलो सर हमको सेकंड ओवरटोन, पी इज इक्वल टू टू, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव एन है कि नहीं है? सिंपल सी कहानी है। चलो उसके बाद में बच्चों हम इसका ही एंड करेक्शन निकल, इसका ही एंड करेक्शन, इसको मिटा रहा बच्चों मैं, ये रहने देता ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। चलो इसका एंड करेक्शन निकाल रहे, सिंपल सी कहानी है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों मैं, अभी आगे बढ़ना है। चलो वन टू थ्री फोर,
देखो v इज इक्वल टू 4n प्लस l, सॉरी 4l इंटू n, है कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका है। बच्चों मुझे बताओ ये थोड़ा ऊपर आया तो उसका एंड करेक्शन पकड़ना पड़ेगा, मतलब ये जो l था इस l में प्लस e करना पड़ रहा है। देखो ये l लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप प्लस e थोड़ा ऊपर आता है उसको एंड करेक्शन कहते हैं। अच्छा सर ऐसी बात है, चलो तो यहां पे बच्चों फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, लेंथ भी डिफरेंस है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी साउंड की 340 होती है, सभी कॉलम में साउंड की वेलोसिटी सेम है। दूसरे कॉलम में हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ी ये, और इसकी लेंथ भी एल, मतलब इसकी एल होगी तो इसको एल टू बोलो। चलो दोनों एक कंपेयर करते हुए वेलोसिटी सेम है इसलिए कंपेयर कर सकते हैं हम लोग ये और इज इक्वल टू ये, क्योंकि आपको पता है बच्चों क्या है, फोर से फोर मर गया तो एन वन एल वन, एन वन ई, एन टू एल टू प्लस एन टू ई। चलो बच्चों तो एन वन एल वन ये इधर आया तो माइनस एन टू एल टू, तो एन टू ई ये इधर गया तो माइनस एन वन ई। तो बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, एन वन एल वन माइनस एन टू एल टू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन ई, मुझे यही निकालना है तो इसको डिवाइड जाना पड़ेगा, तो एन वन एल वन माइनस एन टू एल टू डिवाइडेड बाय मेरे पास बचा है बच्चों एन टू माइनस एन वन, तो ये मुझे वन क्लोज एंड वन ओपन रहा तब ये एंड करेक्शन मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं तो टेंशन मत लिखना बच्चों, एन टू माइ एन टू एल टू एन वन एल वन डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू। एक बात ध्यान में रखना बच्चों कुछ नहीं, अगर यहाँ पे एन वन माइनस एन टू है तो उसका उल्टा लिखना है एन टू माइनस एन वन, अगर यहाँ पे एन टू माइनस एन वन है तो एन वन माइनस एन टू उल्टा लिखना है, बस कुछ नहीं कहानी खत्म हो गई। उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं उसी की, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट ओपन ऑर्गन पाइप। बच्चों मुझे पता है एक घंटे का लेक्चर बन रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिखना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा। चलो इसको एंड अप करना है हम लोगों को, इसके बाद में कुछ नहीं करने वाले हम लोग। चलो तो हम लोग अभी देखने वाले बच्चों कौन सा, यहाँ पे ओपन, इसको फंडामेंटल मोड भी बोलते देना है, जूम जूम जूम। देखो ये एंटीनोड, ये भी एंटीनोड, ये नोड बच्चों ओपन में, ओपन पे एंटीनोड ही बनेगा क्योंकि ओपन है ना वो, तो उसके लिए मैंने तो डिटेल में बना दिए लेक्चर ये आपको मैं बस। चलो ये आधा लूप, आधा लूप, एक लूप, एक लूप की लेंथ इतनी होती है कि नहीं होती है, एक लूप की लेंथ कितनी होती है बच्चों, लैम्डा बाय 2, आधा आधा इकट्ठा कर दो लैम्डा बाय 2। चलो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस एल, एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, पता है ना, अरे अभी हो गया ना वही कहानी है, इसमें खाली फार्मूले एन इज इक्वल टू वी, लैम्डा की वैल्यू है ट्वाइस एल, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली बच्चों। अब फर्स्ट ओवर टोन, इसको बोलना है बच्चों आपको बोलना है तो फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी बोलना है। और इसकी डिफाइन कैसे बनाओगे तो आपको पता है ना, इन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वन एंटीनोड, टू एंटीनोड एंड वन नोड, टू एंटीनोड है ना एंड वन नोड इनसाइड द पाइप इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल नोड। फर्स्ट हार्मोनिक में देखो, फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होने वाला, मैंने बोला था बच्चों याद है आपको, एक गोला को बढ़ाना है, एक गोला बढ़ाना है, एक गोला समझते हो ना ये। चलो बच्चों तो ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये नोड, ये नोड, बच्चों क्या बोलेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ क्या, टू थ्री एंटीनोड और टू नोड इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। और कौन सा हार्मोनिक है बाद में बात करेंगे। मैंने बोला था बच्चों एक गोले के लिए लैम्डा बाय 2, दो गोले तो लैम्डा बनेगा, दो गोले तो लैम्डा बनेगा, लैम्डा लैम्डा 1, अरे दो पता है ना इस वेवलेंथ बोलते इसको, लेकिन दो गोले बन रहे, दो दो लूप्स बन रहे तो लैम्डा। चलो बच्चों तो एल इज इक्वल टू लैम्डा 1, तो एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, बच्चों इसको ऐसे बोला, मैंने बोला था बच्चों वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी के बदलाव मत लेना, तो ये वी बाय एल, और क्या करे लैम्डा वाले की एल है, मुझे तो वी बाय ट्वाइस एल होना, तो टू से यहां मल्टीप्लाई करो, यहां से ये टू टू मर जाएगा कि नहीं, लेकिन इससे ये मतलब हो रहा है बच्चों ट्वाइस एन। तो बच्चों इसी को हम फर्स्ट वन को सेकंड हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, सेकंड
हार्मोनिक्स, बच्चों टू है ना तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड हार्मोनिक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों हम लोग सेकंड और टोन्स। तो सेकंड और टोन्स के लिए बच्चों एक गोला बढ़ाना पड़ता है, ऑलरेडी एक गोला है बीच में तो दो गोले लगाना है, एक ये एक लूप, ये कितने है? एक दो तीन, अरे आधा आधा, एक दो तीन, एक लूप के लिए लैम्डा बाय टू, तो ऐसे तीन गोले इसलिए थ्री लिखा है मैंने, थ्री इसको लैम्डा टू बोलो, ये लेंथ है बच्चों, तो एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा टू बाय, समझ में तो आ रहा है, लैम्डा टू इज इक्वल टू ट्वाइस एल बाय थ्री, बात समझ में आ रही बच्चों, समझ में आ रहा है, एक लूप के लिए लैम्डा बाय टू होता है, तो ऐसे एक दो या आधा आधा एक तीन लूप हो गए। चलो तो एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, हमने बोला था कि इसको एन वन बोला है तो इसको एन टू बोलो, तो एन टू इज इक्वल टू वी लैम्डा टू गल टॉइस एल डिवाइड बाय थ्री, तो थ्री इधर मल्टीप्लाई ले सकते और ये जो वैल्यू है बच्चों वो है थ्राइस एन की, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक भी बता सकते हो बच्चों। इसमें पूरे ऑल और में देखो वन टू थ्री, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ये नहीं तो वन है ना वो, तो ये ऑल हार्मोनिक वाली बात है। किसकी बात है बच्चों? अगर आपको फिफ्थ ओवरटोन निकालना है, फिफ्थ ओवरटोन निकालना है तो p प्लस वन इंटू एन, इसके पहले फिफ्थ ओवरटोन निकालने के लिए टॉइस p प्लस वन इंटू एन लिखा था, या टॉइस p प्लस वन इंटू वी बाय फोर एल ऐसा लिखा था। ये किसके लिए बच्चों? ये ऑड हार्मोनिक, मतलब एक क्लोज एक ओपन, यहां पे p प्लस वन वी बाय टॉइस एल ये फार्मूला आएगा, समझ में आ रहा है। एंड करेक्शन निकालेंगे बच्चों, सिंपल सी कहानी है, एंड करेक्शन में कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी थ्योरेटिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद में हम लोगों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी पूछते नहीं, वो एलेवंथ के लिए था, हाँ सीईटी के लिए पूछ सकते पता नहीं है, लेकिन बच्चों इसमें तो करने की जरूरत नहीं, पता नहीं बोले तो पता है लेकिन बता रहा हूं मैं। चलो तो वी इज इक्वल टू टॉइस एन एल, बात समझ में आ रही बच्चों? देखो V is equal to twice L N. Oh. लेकिन यहाँ पे दो एंड करेक्शन, इधर भी है इधर भी, दोनों ओपन एंड है, तो बच्चों इस लेंथ में ये जो लेंथ है ये यहां से यहां L E plus L plus E मतलब twice E. Oh, ऐसी बात है। चलो तो इसके लिए बच्चों हम लोग बोलेंगे N1 L1, V1 V2 नहीं बोल सकते, क्यों? ये जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की कॉन्स्टेंट एयर में, आप बोलेंगे सर टेम्परेचर का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी, कुछ नहीं करना बच्चों, एक ही जगह पे कर रहा है इसलिए कोई इफेक्ट सेम होगा। तो V is equal to दूसरा, इसके लिए समझो, इसके लिए ये, इसके लिए ये L2 twice E। चलो तो दोनों को कंपेयर कर रहे बच्चों, twice N1 L1 plus 2E, दोनों V सेम है ना, तो इसलिए इक्विवेलेंट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं है बस twice E, 2 से 2 को मरवा दो तो N1 L1 plus 2 N1 E is equal to N2 L2 plus 2 N2 E। चलो बच्चों ये इधर आ रहा है तो N1 L1 माइनस N2 L2, बात समझ में आ रही है, इधर है तो माइनस होगा, तो ये है ट्वाइस N2 E, इधर गया तो माइनस ट्वाइस N1 E, तो N1 L1 माइनस N2 L2, यहां पे 2 को कॉमन बचा है बच्चों, N1 माइनस सॉरी N2 माइनस N1 E, इधर कॉमन निकाला बाकी कुछ नहीं। तो बच्चों हम लोग काम करने वाले हैं, मुझे E निकालना है तो इस टर्म को इसको डिवाइड करेंगे, तो N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाय 2 N1 माइनस N2 माइनस N1। बच्चों इसके पहले एंड करेक्शन जो मिला था मुझे N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाय N2 माइनस N1, याद है? यहां पे खाली 2 आ गया 2, क्यों? क्योंकि दो ओपन एंड्स है इसलिए बात ये बन गई। कुछ लोग और में ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, N2 L2 माइनस N1 L1 N1 माइनस N2, मैंने बोला था बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं इतना ध्यान रखना है, अगर N1 माइनस N2 है तो N2 माइनस N1 आना चाहिए, या फिर N2 माइनस N1 है तो N1 माइनस N2 उल्टा आना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद में का बच्चों ऐसे सादे सादे सवाल आते रहते हैं, ये MCQs के लिए सवाल, किसके कितना टाइम से क्या है, तो यह आना चाहिए, सिंपल सी कहानी है, ओपन और क्लोज में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है, बस। तो ओपन एंड के लिए आपको पता होना चाहिए क्या है, और क्लोज के लिए, ओपन जब रहा तो V by twice L, ये फ्रीक्वेंसी बच्चों आपकी, और क्लोज के लिए है हमारे पास V by 4L। तो बच्चों हम लोग कर सकते हैं क्लोज के लिए, देखो 1 by 2 V by twice L, बात समझ में आ रही है? देखो 2 2 जा 4, यही कहानी है, लेकिन ये ओपन किए तो क्लोज इज इक्वल टू 1 by 2
ओपन, ये एक रिलेशन बन सकता या एन ओ इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस ऑफ एन सी, मतलब ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज से डबल होती है, ये एमसीक्यू इसका सवाल है। वाह, इससे सवाल होते हैं सर, दिखाई तो दे रहा बच्चों आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों इस चैप्टर को करते हैं खत्म। देखो बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ट्वाइस बाई टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, ये बताया मैंने। स्टेशनरी वेव्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डिफाइन, नोड नोड के बीच में डिस्टेंस, नोड किसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड जीरो है, एंटी नोड किसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका भी लैम्डा बाय टू, नोड और एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर, एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय फोर, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती नहीं है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है खाली नोड छोड़ के, तो ये कहानी आपको बताना है। उसके अलावा स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप के दो क्वेश्चन, ऐसे चार ही क्वेश्चन करना है, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इसमें आउट ऑफ मार्क नंबर्स आ सकते हैं बच्चों, ये चैप्टर देखना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने पहले ले लिया। एक्चुअली हमारा सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी चैप्टर बाकी है, तो भी इस चैप्टर को मैंने खींचा है, इसका रीजन ही वही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर एग्जामिनेशन।